गढ़ मोदी का है, मोदी सांसद हैं काशी से, लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी पहुंची तो उसके बाद नाव से सफर करते हुए दिखाई दी, नाव का, और लोगों से मुलाकात की, बीएचयू के छात्रों से मुलाकात की, रविदास मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की। तस्वीर जो बगल में आप देख पा रहे हैं, और मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए बीएचयू छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात, सीएए प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार लोगों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम। प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा, रविदास मंदिर में की पूजा अर्चना, और ये वो जब वो नाव का सफर उन्होंने किया, वो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी, लोगों से भी मिली है, बीएचयू के छात्रों से मिली है प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी वाराणसी में है, और वाराणसी को गढ़ माना जाता है मोदी का, क्योंकि दो बार सांसद यहां से प्रियंका नरेंद्र मोदी रहे, और मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस कांग्रेस का, खासकर प्रियंका गांधी का, उत्तर प्रदेश में है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा काशी में, वो एक बार देख लेते हैं। ये यूपी न्यूज डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। सारी चीजें बातें बताई कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ, और बहुत अच्छा हुआ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। भारतीय जेल में पता नहीं 15 दिन वहाँ रखा, अलग अलग बहुत सीरियस धाराएं लगाई हैं उन पर, तो उन पर बहुत गर्व है कि उन्होंने संघर्ष किया, सरकार कर रही है वो संविधान के खिलाफ ऐसा ही बना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।